जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोलापुर श्री सिद्धेश्वर शुगर फैक्ट्री से सटे एक गत्ता कारखाने में भीषण आग लग गई। सोलापुर में गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग से लाखों का नुकसान। सोलापुर शहर में श्री सिद्धेश्वर शुगर फैक्ट्री से सटे एक गत्ता कारखाने में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गत्ते की फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर थे, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जानकारी सामने आई है कि आग तेज गर्मी के कारण लगी। फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, चार कारों पर किया गया छिड़काव। नासिक शिवसेना पसीने से तरबतर कार्यकर्ताओं की पार्टी दादा भूसे। पचोरा ठाकरे सभा पर शिवसेना पसीने से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऐसी केबिन में बैठकर भी पार्टी नहीं चलती, यह पार्टी शिवसैनिकों की मेहनत पर खड़ी है। संजय राउत के इस बयान पर कि 15 दिन में सरकार गिर जाएंगी, सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सुबह दो पर शाम कुछ अच्छा करें, समाज में प्रवाह से बाहर कुछ तत्वों पर कुछ ऊर्जा खर्च करें, रोज जागना और बस इधर उधर देखना। शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का डेथ वारंट जारी, 15-20 दिन में गिर जाएगी, संजय राउत का दावा। शिवसेना उद्धव बाला साहब के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के डेथ वारंट जारी हो चुका है, यह सरकार 15-20 दिन में गिर जाएंगी। राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी पार्टी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। राज्यसभा सांसद सुप्रीम कोर्ट के उस केस की बात कर रहे थे जिसमें शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना बाकी है। गौरतलब है कि शिवसेना के कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मानने से इनकार करते हुए अपना समर्थन एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। विधायकों की इस बगावत के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। राउत ने कहा मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी 40 विधायकों की सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, अब बस इस पर फैसला होना कि इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा। पिछले साल जून में ही शिवसेना नेता शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी थी। शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। शिंदे महाविकास आघाड़ी को तोड़ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया था। उन्होंने इसके पीछे वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा अनुचित व्यवहार को वजह बताया था। साथ ही शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी कई आरोप लगाए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।